इसलिए लिखा केली जा हमारे जैसे समान दुख सुख भोगी मनुष्यता, पर उसकी प्रार्थना से आकाश बंद हो। अगर उसी मन से आप बैठो और परमेश्वर से बोलो, क्या कुछ हो सकता है? पूरा देश बदल सकता, देश का संविधान बन सकता, खुदावन अपने लोगों के द्वारा ऐसे नेता खड़े कर सकता है कि ये देश, जैसे पहले शुरू में भारत देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्या बोलते थे भारत देश को, क्या बोलते थे शुरू में? शायद जब पाकिस्तान और भारत दोनों इकट्ठे थे तब की बात है, लोग कहते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया, क्योंकि ये बहुत ब्लेस्ड था। पर ये भ्रष्टाचारी क्या है, ये सब कुछ पाप करा रहा है। आपकी प्रार्थना के द्वारा मैं सच्ची कहता हूं, परमेश्वर एक जन के द्वारा इस पूरी दुनिया को, इस देश को बदल सकता है। एक जन की प्रार्थना आपके शहर को, आपके नगर को वो बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है। आपकी प्रार्थना के बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा नहीं। समझ आ रही है? क्या हो सकता है? एक नया नेता खड़ा हो जाएगा जो मसीहों के लिए और बाकी लोगों के लिए, क्या होगा? हाँ, समझ आ रही है? जो मसीह लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी क्या हो रहे हैं, मोदी जी तो ज्यादा ही क्या हो रहा है, मसीहों के ज्यादा खिलाफ है ना, क्या है? ये सब कुछ क्यों? क्योंकि शैतान करवाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि दुनिया बचाई जाए। कोई शैतान नाश करना चाहता है और परमेश्वर बचाना चाहता है, क्या जाए? शैतान नाश करना चाहता है और परमेश्वर बचाना चाहता है, बोलो क्या है? शैतान नाश करना चाहता है और परमेश्वर बचाना चाहता है, और ये होगा, ये 100% होगा। बोलो क्या है? ये 100% होगा। मैं प्रोफेसी करता हूं आज कि परमेश्वर एक ऐसा नेता खड़ा करने वाले हैं हमारे देश में, एक ऐसा ऐसे प्रधानमंत्री आने वाले हैं जो मसीह लोगों के लिए और बाकी जाति लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का शुभ समाचार होगा, और ये आने वाले दिनों में लोग खुशी से, ये महंगाई हट जाएगी, क्या हट जाएगी? ये महंगाई हट जाएगी और लोग खुशी से अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, हर चीज में वो खुशी से, शांति से जिएंगे। आमीन। मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस बात की, ये जल्द ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं ये जल्द होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।